सब, आई होप यू ऑल आर फाइन। यस्टरडे प्रीवियस लेक्चर में हमने 15 नंबर के सम तक कंप्लीट किया था फ्रॉम द एक्सरसाइज 5.2 एनसीईआरटी। नाउ एग्जांपल नंबर 16, डिटरमाइन द एपी, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। क्या बोला है आपको यहाँ पे, थर्ड टर्म इज 16, सो देयरफॉर A3 इज इक्वल टू 16, यस और नो, 16। एंड द सेवंथ टर्म एक्सीड, वो बाद में देखते हैं, पहले इसके अंदर फॉर्मूला लगाते हैं हम बराबर A3 में, तो क्या होगा, A प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहाँ पर क्या है 3 है, 3 माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 16, ए प्लस ये कितना होगा 2D इज इक्वल टू 16, इक्वेशन नंबर 1। नाउ क्या बोला है आपको, द सेवंथ टर्म एक्सीड्स, द सेवंथ टर्म एक्सीड मतलब A7 इज इक्वल टू द फिफ्थ टर्म बाय 12, फिफ्थ टर्म प्लस 12, ये आपका इक्वेशन हो गया। नाउ क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए ध्यान से, इसके अंदर फॉर्मूला लगाता हूँ, तो ए प्लस फॉर्मूला लगाता हूँ, क्या होगा, ए प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी प्लस 12, ए ए क्या हो गया, दोनों साइड से कैंसर, ये कितना होता है 16, ये कितना होगा 4D प्लस 12, ये 4 इस साइड आएगा, तो क्या होगा 60 माइनस 4D इज इक्वल टू 12, कितना बचेगा 2D इज इक्वल टू 12, सो देयरफॉर D इज इक्वल टू कितना रहेगा 6 रहेगा, बरो D इज इक्वल टू कितना रहेगा 6, पुट दिस वैल्यू, put this value in equation number 1, 1 के अंदर रख दो, बराबर क्या होगा देखिए यहाँ पे, a plus 2 into ये होगा 6, 16, so a is equal to क्या होगा 16 minus 12, मतलब कि 4, क्या होगा 16 minus 12, बराबर is equal to 4, बराबर ना, 16 minus 12 कितना होता है, 4 होता है, बराबर ये हो गया आपका first term, now a plus d, तो 4 प्लस डी कितना 6, तो कितना हो गया 10, नाउ ए प्लस 2D, ए कितना 4, 2 इंटू डी, डी कितना होता है 6, 12 प्लस 4 16, सो देयरफॉर एपी इज, एपी क्या होगा, फर्स्ट टर्म 4, फिर 10, 16 डॉट डॉट डॉट, बराबर ये हो गया आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेस, इसका डिफरेंट आप चेक कर लो, 10 माइनस 4 कितना है 6, 16 माइनस 10 कितना है 6, बराबर, सो आपका एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या हो गया 4, 10, 16। नाउ एग्जांपल नंबर 17, क्या करते देखिए यहाँ पे, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, मतलब यहाँ से आपको 20 टर्म फाइंड करना है लास्ट से, बराबर, ऑफ एपी, तो सबसे पहले गिवन एपी लिखते हैं यहाँ पे, क्या है 3, 8, 13, 253, बराबर, अभी देखिए यहाँ ये एपी के लिए सबसे पहले आप डी फाइन कर दो, 8 माइनस से कितना का 5, बट फॉर द लास्ट टर्म यहाँ पे ऐसा लिखो, फॉर द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, लास्ट ऑफ द एपी, आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो सीरीज है, ये जो एपी है उसको उल्टाना पड़ेगा, बराबर, मतलब क्या होगा आपका फर्स्ट टर्म क्या होगा, बराबर, सो एपी क्या होगा 253, सो देयरफॉर क्या होगा यहाँ पे, ये जो डी है ना, सो देयरफॉर डी इज इक्वल क्या लेंगे माइनस फाइव लेंगे, 248 डॉट 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 383, ओके, नाउ आपका E इज इक्वल टू 253 हो गया, डी कितना है -5, डी कितना है -5, आपको क्या फाइंड करना है, A20 फाइंड करना है ना, बराबर, चलो तो क्या होगा A20, A प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, चलो A कितना है 253, ये क्या होगा 19, डी कितना होगा -5, 253, ये क्या होगा 95, ये 3 माइनस 5 तो 10 ऊपर ले लोगे तो 13 माइनस 5 कितना होगा 8, यहाँ पे 14 हो जाएगा तो 14 माइनस 9 कितना होगा 5, इधर 1 हो जाएगा 150,
158, मतलब आपका 20th टर्म क्या होगा, 158, 20th टर्म क्या होगा, 158 हो जाएगा। चलिए नाउ 18 नंबर क्या बोला है, द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म, सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म मतलब ए 4 प्लस ए 8 कितना है, 24 है। रोड नाउ ऐसे ही यहाँ पे क्या है, 6 प्लस 10 कितना है, 44। चलो करते हैं यहाँ पे क्या होगा, ये a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे क्या होगा a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, 24। चलो a a कितना 2 है, ये क्या होगा, सॉरी 3d होगा, ये 3d प्लस यहाँ पे ये क्या होगा 7d, 24 ये कितना होता है, 10d होता है, मतलब 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाय 2, तो क्या होगा a प्लस 5d इज इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 1। चलिए इसी में जाते हैं, चलो a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, 44 बराबर। चलिए ये 2a, ये क्या होगा 5d, 9d, 44 ये कितना होता है, 2a प्लस 14d, 44। नाउ डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2 क्या होगा, a प्लस 7d, 22, इक्वेशन नंबर 2। नाउ इक्वेशन नंबर 2 माइनस 1, चलो 2 माइनस 1 मतलब a प्लस 7d माइनस a प्लस 5d, 22 माइनस 12, चलो a प्लस 7d माइनस ए माइनस 5d, 10, ये a कैंसल, 7d माइनस 5d कितना होता है, 2d होता है 10, सो d इज इक्वल कितना आएगा 5, d इज इक्वल कितना आया 5, सो देयरफॉर क्या होगा, d इज इक्वल टू 5 आया तो पुट d इज इक्वल 5 इन इक्वेशन नंबर 1। चलो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर रख दो d इज इक्वल टू 5, तो क्या होगा यहाँ पे a प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 12, ये कितना होता है 25, 12 माइनस 25 कितना होगा, a इज इक्वल टू माइनस 13, सो a प्लस d क्या होगा, माइनस 13 प्लस 5 माइनस 8, a प्लस 2d क्या होगा, माइनस 13 प्लस 2d, 2 इंटू 5 मतलब क्या होगा 10, माइनस 3 अंडरस्टैंड, सो क्या हो जाएगा, फर्स्ट 3 टर्म्स तो क्या होगा, पहला क्या होगा माइनस 13 माइनस 8 माइनस 3, इसका डिफरेंस चेक करो, माइनस 8 प्लस 13 माइनस 3 प्लस 8 हो जाएगा आपका 5। चलो फ्रेंड्स नाउ 19 नंबर का सम, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एनुअल सैलरी ऑफ रुपीज 5000 एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट 200 ईच ईयर, हर साल उसको 200 रुपए का इंक्रीमेंट मिलता है, इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000, मतलब कौन से ईयर पे उसकी सैलरी 7000 होगी एनुअल, बराबर। सो क्या करता है सबसे पहले तो एपी क्या होगा, तो फर्स्ट ईयर कितना था 5000, फिर 200 रुपए का इंक्रीमेंट मिला तो क्या होगा, ऐसे लास्ट में कितना होगा 7000, सो योर फर्स्ट टर्म कितना होगा 5000, डी कितना होगा 200 और एन कितना, एन आपको ढूंढना है, ठीक है। फॉर्मूला एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, व्हाट इज एन कितना है 7000, ए कितना है 5000, एन तो आपको ढूंढना है, डी कितना है 200, 7000 इधर 5000, 200 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 200 एंड माइनस 200, ये सब्सट्रैक्ट करो कितना होता है 4800, 200 एंड, ये इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव माइनस 4800, ये कितना सब्सट्रैक्ट होगा, ये 2200 एंड, 200 नीचे जाएगा तो क्या होगा
दो जीरो कट हो जाएगा, 11 2 10 इज इक्वल टू 11, मतलब कि 11 साल में उसका इनकम कितना होगा, ईयरली 7000 हो जाएगा। नाउ 20 नंबर का सम, रामकली, कौन सा कली दिया है, रामकली दिया है, बराबर। सो क्या होगा, रामकली सेव्ड 5 rupees इन फर्स्ट वीक, फर्स्ट मतलब ए इज इक्वल टू आपका क्या होगा 5 rupees, ए इज इक्वल टू क्या होगा 5 rupees। फिर क्या बोला, इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75, तो 1.75 वो क्या हो जाएगा आपका कॉमन डिफरेंट हो जाएगा। नाउ ए एन आपको दिया है कितना है 75, क्या बोला है देखिए यहाँ पे एंथ वीक में इतना है, सो ए एन आपका है, ए एन आपको ढूंढना है, बराबर। चलिए फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, ए एन कितना है आपका 20.75, ए कितना है 5 प्लस एन माइनस वन डी 1.75, ये पांच को इस साइड आने दो, 20.75 माइनस 5, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो 1.75 एन माइनस 1.75, ये कितना होगा 15.75, 1.75 एन माइनस 1.75, इसको यहाँ पे अलाओ ये माइनस को, तो प्लस हो जाएगा 75 प्लस 1.75 एन, इसको करो तो क्या होगा 550 रिमाइंडर 1 1 8 7 15 रिमाइंडर 1 5 प्लस 1 6 10 ये 7 बराबर 1.75 एन, एन इज इक्वल टू क्या होगा 17.50 अपॉन नीचे क्या है 1.75। चलो करते हैं 50 अपॉन ये क्या होगा 100, इधर क्या होगा 1.7 पॉइंट रिमूव करो तो क्या होगा 175, नीचे 100 होगा ऊपर जाएगा 100 100 कैंसल, ये 175 10 जा, बराबर। सो एन इज इक्वल टू क्या होगा 10, एन इज इक्वल टू क्या होगा 10, मतलब 10वें साल में उसका जो सेविंग इनकम है, सेविंग है वो कितना हो जाएगा 20.75 वीकली।